पौधे पे पनीर का पानी और दूध और फटा हुआ दूध का पानी, क्या आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों आपको याद है कि जो पनीर जो पानी होता है, पनीर के पानी में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है और प्रोटीन आपके पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। दोस्तों आपको याद है कि प्रोटीन के साथ साथ इसमें बहुत और पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होते हैं। आपको हम बता दें कि पनीर के पानी को आप सिंपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। लेकिन दोस्तों आपको डायरेक्ट पनीर के पानी को इस्तेमाल नहीं करना, पनीर के पानी में आपको कम से कम सादा पानी आपको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक भाग ले रहे हैं पनीर के पानी तो इसमें दो भाग आप ले लीजिए सादा पानी, या आप उसको और अधिक बढ़ा सकते हैं, तीन बार कर सकते हैं। एक लीटर अगर पनीर का पानी है तो आप उसमें 3 लीटर सादा पानी मिक्स कर दीजिए और मिक्स करके आप अपने पौधे को दे दीजिए। ये आपको ध्यान रहे, ये जितना भी आप पानी पनीर का है उसमें 3 भाग आपको सादा पानी मिलाना है और मिलाने के बाद अपने पौधे को आप दे सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पनीर का पानी मिल जा रहा है तो आप 1 सप्ताह पर 1 बार अपने पौधे को आप दे सकते हैं, इसका रिस्पांस आपको बहुत बढ़िया मिलता है। दोस्तों आपको बताएं कि उसके बाद अगर आप जो फटा हुआ दूध जो पानी होता है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको दोस्तों बहुत लोग गलती ये करते हैं कि इसको लोग डायरेक्ट फार्म में इसको इस्तेमाल कर जाते हैं। डायरेक्ट फार्म में अगर आप फटे हुए दूध को आप इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे पे तो ईट प्रोटीन इसमें पाया जाता है और प्लस प्रोटीन साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट फार्म में भी तुरंत इस्तेमाल करते हैं अपने गमलों में तो आपको बताएँ कि चींटियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आप गमलों में आ जाएंगी, क्योंकि फटा हुआ दूध ये मीठा होता है और मिठास होता है उसमें चींटियों की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। जब चींटियों की मात्रा इसमें ज़्यादा आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आपके पौधा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको बताएँ कि इसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है। इसको आपको अगर इस्तेमाल करना है तो इसको अगर आप 10 ml इसको अगर ले लेते हैं, आप मान लीजिए कि मैंने ये 40 ml ले लिया है। अगर 40 ml आप लेते हैं तो इसमें आपको ये करना है कि इसी ढक्कन से आपको 5 ढक्कन इसमें डालना है पानी। ये आपको ध्यान रहे, इस रेशियो से आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या कि इसमें चींटियों की मात्रा बहुत तेज़ से आती है, और देखिए इसमें ये 5 ढक्कन हो गया। आप जितना भी फटा हुआ दूध का पानी आपके पास है आप उसने में 5 गुना आपको पानी मिक्स करना है, और पानी मिक्स करने के बाद आप अपने गमलों में ये दे सकते हैं, और डायरेक्ट कभी भी इसको आप इस्तेमाल न करिए। उसके बाद दोस्तों हम बता दें आपको कि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं दूध अपने पौधे पे, दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दूध जो आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो दूध से तो चींटियाँ और आती हैं, क्योंकि ये प्योर है और इसमें मिठास बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो दूध को आप, मैं तो यही कहूँगा कि दूध थोड़ा सा कॉस्टली भी आपको पड़ेगा अपने पौधे में इस्तेमाल न करें। लेकिन अगर जिन भाई बंधु को दूध इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें भी होते हैं जो आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। कहीं यहाँ तक कि दूध का छिड़काव भी लोग करते हैं, रिस्पांस मिलता है। कभी कभी होता है क्या दोस्तों, रिस्पांस मिल जाता है, और कभी कभी ये होता है कि गमलों में देने से चींटियाँ बहुत तेज़ी से आती है। लेकिन हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से अगर इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके गमलों में चींटियाँ बिल्कुल नहीं आएगी। उस ट्रिक को ये है कि अगर आप 1 गिलास दूध लेते हैं तो 1 गिलास दूध में आपको करना ये है कि 15 गिलास पानी आपको मिक्स करना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 15 गुना आपको सादा पानी उसमें मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इस रेशियो को अपने गमलों में 100 ml के हिसाब से आप दे सकते हैं। उसके बाद आप इसी रेशियो को अपने पौधे पर छिड़काव भी कर सकते हैं, इसका रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलता है। पौधे की बढ़वार के लिए बहुत ही बढ़िया है, दूध भी अच्छा है, फटा हुआ दूध का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पनीर का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बस वही है कि सादा पानी आपको इसमें 3 ऐसे जो पनीर का पानी है इसमें मिलाना है, 3 भाग पानी मिलाना सारा पानी। जो फटा हुआ दूध है इसमें 5 भाग पानी मिलाना है, और जो प्योर दूध है इसमें मिलाना है आपको 15 भाग पानी। दोस्तों ये ध्यान रहे कि इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।